गाइस वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज आपको बता दूं, हमारे चैनल पे प्रमोशन चल रहा है और प्रमोशन में भाग लेने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, हर एक वीडियो में बस कमेंट आपकी होनी चाहिए और चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, बस इतना साफ करके रखते हो तो आपको दोनों ग्रुप में मेरे जो चैनल है बिल्कुल फ्री में डाला जाता है, डेली एक बंदे का डाला जाता है दोनों ग्रुप में एक साथ, और अच्छे खासे सब्सक्राइबर और व्यूज मिल जाते हैं, और वो भी मैं खुद उस वीडियो में कमेंट करता हूँ जो वीडियो जो बंदा विनर होता है उसकी वीडियो में। तो जाओ पार्टिसिपेट करो, जाना कहीं नहीं है, बस सिंपल ये है कि आपको ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लस हर वीडियो में आपको कमेंट करना अनिवार्य है, तभी आप विनर बन पाएंगे। चलिए आज की वीडियो हम समझ लेते हैं, और इतनी बड़ी इसमें न्यूज आपको मिलेगी, गुड न्यूज, जो लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं उनके लिए। अब ये पर्सनली पूरी वीडियो शॉर्ट्स के लिए है, जो लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं उनके लिए है, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है जो कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने शायद ही नहीं बताया होगा, मुझे लगता है पूरी तरह से जहाँ तक मैंने देखा है। अब बात कर लेते हैं, इस वीडियो में आपको वायरल करने का भी तरीका बताऊँगा, और प्लस वायरल के साथ साथ सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप शॉर्ट्स जो शॉर्ट्स आप बनाते हो उससे आप डॉलर भी कमा सकते हो अपने उसी शॉर्ट्स से जो आप बनाते हो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बताते हैं कि 10 मिलियन व्यूज आ गए लेकिन डॉलर एक भी नहीं आया, तो आप सोचते हो कि भैया इसमें डॉलर तो मिलता नहीं, बस जो शॉर्ट्स फंड है वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप गलत होगे। जो ट्रिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा उससे आप डॉलर भी कमा पाओगे, गाइस बिलीव करो, भरोसा करो, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा इस चीज को कि कैसे आप डॉलर भी कमा सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट्स पे ऐड कैसे चलाए, मतलब जो पैसा है वो कैसे आप कमा सकते हैं शॉर्ट्स से, शॉर्ट फंड से नहीं, शॉर्ट्स से डॉलर कैसे आप कमा सकते हैं। तो इसको कमाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि आपको ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम एक मिनट, करेक्ट एक मिनट की आपको वीडियो बनानी होगी, जो कि मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, यहां पे आप साइड में देख सकते हैं, अजय शर्मा नाम से है कोई, वो हर एक वीडियो आपकी उनकी देखोगे तो आपको एक मिनट की ही करेक्ट दिखेगी। अब ये चीज समझने वाली बात ये है कि आपकी ना 59 सेकंड की होनी चाहिए और ना 1 मिनट 1 सेकंड के ऊपर की होनी चाहिए, इससे आपका डॉलर नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। आपकी अगर करेक्ट 1 मिनट की वीडियो आप बना लेते हो तो यकीन मानो आपके हर एक वीडियो पे आपको वो मिलेगा डॉलर। अब आपको सबूत चाहिए, सबूत समझने के लिए आपको सीधा अजय शर्मा सर्च कर लेना है, उसके बाद उनका चैनल खोल लेना है, चैनल में जाके आप कोई भी उनकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको जैसे 5 वीडियो आपने देखा तो उसमें से आपको गारंटी है 1-2 वीडियो में ऐड आपको जरूर दिखेगा, शॉर्ट्स वीडियो है उन सब में, ये मेरी गारंटी है, आप जाके देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये आपके लिए प्रूफ है। तो ये इस तरीके से अगर आप वीडियो बनाते हो शॉर्ट्स वाली तो आपका ऐड भी आएगा और पैसा भी आएगा आपको, और शॉर्ट्स सबसे बड़ी बात ये कि आपके अंदर ये उठ रहा होगा कि अगर 1 मिनट की बना दिया तो क्या पता शॉर्ट्स में ना जाए, आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में ना जाए, तो ये आपकी गलत सोच है। आप बना के देखिएगा 1 मिनट करेक्ट की, 1 मिनट से 59 सेकंड नहीं होना चाहिए, ना 59 सेकंड होना चाहिए ना 1 मिनट 1 सेकंड, अगर करेक्ट 1 मिनट की आप बनाते हो तो आपकी शॉर्ट्स में भी जाएगी और आपके शॉर्ट्स वीडियो में ऐड भी आएगा। इसको आप बग बोल सकते हो यूट्यूब का, या फिर यूट्यूब को भी ये बातें ना पता हो, अभी तक कोई भरोसा नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन ये चीजें आप जाके खुद ही देखो अजय शर्मा के उस पे आईडी पे चैनल पे आपको पता चल जाएगा। तो 1 मिनट की वीडियो बनाओ और ऐड पे ऐड लो और पैसा भी कमाओ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तभी आपका पैसा होगा, नहीं तो यूट्यूब का पैसा हो जाता है, याद रखना इस बात को। अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स को वायरल कैसे किया जाए। ठीक है, देखो गाइस आप लोग शॉर्ट्स बनाते हो, मान लो यूट्यूब के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आप शॉर्ट्स बना लिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आपने बना लिया, अब डाल भी दिया आपने, अब आप सोचते हो गया काम खत्म, लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है गाइस, यकीन मानो शॉर्ट्स बनाने में काफी टाइम लगता है, मतलब एडिटिंग में अगर आप सही से शॉर्ट्स बनाते हो तो, आप खुद की शॉर्ट्स बनाते हो तो एडिटिंग में टाइम लगता है और बनाने में थोड़ा बहुत टाइम मान लो लग जाता है। तो इसको समझने वाली ये बात है,
कि आप एक शॉर्ट्स बनाइए, बनाने के बाद आपको जैसे टकाटक है, MX टकाटक आपको मालूम होगा, या फिर टिक्की है, जैसे टिकटॉक था, अभी मान लो आप इंडिया में टिकटॉक नहीं है, तो आप इस सब प्लेटफॉर्म पे भी अपना वही वीडियो, सेम वीडियो डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, फेसबुक पे आपको डालना चाहिए वही सेम वीडियो। अब देखो, आप शॉर्ट्स वीडियो बनाने के बाद आपको क्या करना है कि MX टकाटक या फिर जो भी आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, जिस पे ज़्यादा डाउनलोड है, ज़्यादा यूजर्स हैं, उस पे और प्लस फेसबुक और प्लस प्लस आपका जो इंस्टाग्राम का रील है उस पे और प्लस यूट्यूब पे, आपको चार जगह एक ही वीडियो डालनी है, जो आप डेली बनाते हो वही एक वीडियो चारों जगह अपलोड कर देनी है आपको। अब सोचो कि रात को आप सो गए और चारों जगह आपने अपलोड किया है, क्या पता कौन सा वीडियो आपका वायरल हो जाए रातों रात में, कौन सा वीडियो एकदम गायब हो जाए, मतलब उड़ जाए हवा की तरह। और यकीन मानो कि अगर आपका एक भी वीडियो इसमें से कहीं से भी उड़ गया, वायरल हो गया, तो हर जगह का आपका वायरल होना शुरू हो जाएगा। उसका एक कारण है कि आपकी फेस वैल्यू बन जाएगी, या फिर आपकी आवाज़ की वैल्यू बन जाएगी, या फिर आपके चैनल का नाम, तो ये सब वैल्यू बन जाएगी, तो आपकी हर एक वीडियो आपका वायरल होना शुरू हो जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये तरीका आपको अपनाना है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की एक और चीज़, वो ये है कि जो गलतियां आप कर देते हो जिसकी वजह से और नहीं होता, जल्दी वायरल नहीं होता, हालांकि ये सब लक पे भी डिपेंड करता है, ये भी याद रखना, मैं ये भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप अपलोड कर दिए ऐसे हर जगह तो आपकी दो ही चार दिन में आपकी वायरल हो जाए, भाई लगातार आप अपलोड करते रहोगे, किसी दिन आपका 10-50 मिलियन 10-20 मिलियन आपका व्यूज आ जाएगा रातों रात, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो ये आप लगातार काम करना हमेशा के लिए, ये ट्रिक एक दिन के लिए नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, किसी किसी का हो भी सकता है लेकिन सबका मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लगातार आपको अगर ऐसे काम करते हो, चारों जगह अपलोड करते हो एक ही वीडियो, तो यकीन मानो किसी न किसी दिन आपकी कहीं ना कहीं वायरल हो जाएगी। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, एक और गलती जो आप लोग करते हो वो ये है कि आप शॉर्ट्स वीडियो को शेयर कर देते हो और वो लोग देखते नहीं, आपके दोस्त देखेंगे नहीं, और देखेंगे भी तो आधा देख के छोड़ दिए, या फिर मतलब उसकी रीच डाउन कर देते हैं। अगर आप अपनी वीडियो अपने खुद के मोबाइल से शेयर करते हो, अपने नेटवर्क से शेयर करते हो, तो यकीन मानो बहुत गंदा इफेक्ट आपकी वीडियो पर पड़ता है। तो इसलिए आपको अपनी वीडियो, खुद की वीडियो आपको कहीं शेयर नहीं करना है, जो शॉर्ट्स वीडियो है शेयर नहीं करना, जिससे कि अब अगर शेयर, आप लोग सोच रहे हो भैया और लोग शेयर करते हैं तो क्या होगा, तो भैया अगर आप नहीं शेयर करते हो अपनी वीडियो, दूसरे की वीडियो मतलब आपका, आपके चैनल की कोई बंदा और वीडियो अपने से शेयर कर देता है, मतलब जैसे दूसरा बंदा है वो आपकी वीडियो शेयर कर दिया कहीं, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर वो अपने मोबाइल से कर रहा है तो आपका नेट नहीं होना चाहिए ना आपका मोबाइल होना चाहिए, अपने मोबाइल से आपको कभी शेयर नहीं करना है। दूसरा कोई शेयर कर रहा है आपकी वीडियो, बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझाना था। अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है अर्निंग वाली कोई नहीं बताया, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हो सकता है किसी ने बताई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अर्निंग वाला किसी ने आज तक यूट्यूब का नहीं बताया, जो शॉर्ट्स का फैक्ट है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोशन में विनर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट हर एक वीडियो में करनी अनिवार्य है, और प्रमोशन में विनर बन जाओगे, आपका लॉटरी लग जाएगा ऐसा समझ लो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।